वेलकम टू बैचलर्स कुकिंग। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे गाजर का हलवा। अब आप सोच रहे होंगे गाजर के हलवे में क्या खास है, तो सबको बनाना आता है। जी नहीं, हम जो गाजर का हलवा बनाएंगे वो डायबिटीज वाले भी खा सकते हैं। हम इसमें शक्कर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और लो फैट मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गाजर का हलवा डायबिटीज वालों के लिए। चलिए सबसे पहले गैस ऑन करते हैं और इसमें हम डालेंगे क्लेरिफाइड बटर या घी। कोशिश करें कि गाय का घी का इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है। अगर आपकी शुगर बहुत हाई रहती है तो आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर बहुत ही ज्यादा हाई रहती है तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसको धीमी आंच पे ही पकाएं, गैस को तेज नहीं करना है। तो हम यहाँ पे गाय का घी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें 2 से 3 चम्मच गाय का घी डाल लें। और इसको फैला लें। और घी गर्म हो गया है तो इसमें डालेंगे, ये 1 किलो गाजर लिया मैंने और ग्रेट करके रखी हुई है, तो ग्रेटेड 1 किलो गाजर इसके अंदर डाल लें और इसको अच्छी तरह से चला लें। इसको हमें भूनना है तब तक जब तक कि गाजर का कलर चेंज ना हो। लगभग 2 से 3 मिनट तक इसको भूने, पहले तेज आंच पर भूने फिर धीमी आंच करके भूने। इसको भूनते समय लगातार चलाते रहें ताकि घी सारी गाजर में इवनली स्प्रेड हो जाए और सारी गाजर इवनली पक जाए, नहीं तो कहीं पकी कहीं कच्ची रहेगी। जब हम इसमें दूध डालेंगे तो कुछ गाजर उबली उबली सी लगेंगी, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 5 से 6 मिनट हो गए हैं, हमने गाजर को अच्छी तरह से भून लिया है और ये रिड्यूस हो गई है, लगभग लगभग आधी हो गई है। तो अब आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे लो फैट मिल्क। कोशिश करें गाय का दूध लें और उसकी मलाई उतरी हुई हो, हमने वही लिया हुआ है। तो ये लगभग 1 लीटर दूध इसमें चला जाएगा, तो दूध डाल दें इसके अंदर। और अब इसको आंच को कर लें तेज और इसको पकने दें, लगभग लगभग 5 मिनट और पकाएं जब तक कि ये दूध रिड्यूस ना हो जाए और हलवे की कंसिस्टेंसी आ जाए। तो 5 मिनट तक चलाते हुए इसको पकाना है। चलिए लगभग 15 मिनट तक हमने इसको धीमी आंच पर पका लिया है। दूध काफी हद तक रिड्यूस हो गया है, पूरी तरह से रिड्यूस नहीं हुआ है, हमें पूरी तरह से अभी रिड्यूस नहीं करना है। और इसमें मिलाना है इलायची पाउडर, ये 5-6 इलायची है जिनको मैंने पीस लिया है। ये इलायची पाउडर इसके अंदर डाल दें और इसके बाद वापस इसको 2-3 मिनट तक पकाना है। इलायची पाउडर मिलाने के बाद आंच वापस से तेज करें आप और चलाते हुए इसको पकाएं। लगभग 2 से 3 मिनट और पकाएं ताकि दूध पूरी तरह से रिड्यूस हो जाए। देखिए, अगर आपकी शुगर बहुत ज्यादा रहती है तो इसमें सिर्फ आप ड्राई फ्रूट डालें, शुगर सब्स्टिट्यूट भी ना डालें और कुछ भी ना डालें, क्योंकि गाजर की मिठास होती है, दूध की मिठास होती है, आपको मीठा लगेगा। लेकिन अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहती है तो आप इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल सकते हैं। तो हम इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर डालेंगे, लेकिन पहले ड्राई फ्रूट डालने के बाद। दूध रिड्यूस हो गया है, इसमें डाला है ड्राई फ्रूट। सबसे पहले डाल दें 8 से 10 बादाम, ये आप अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो डाल दें और इसको मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें डालें, मुझे ये चिरौंजी बहुत पसंद है तो मैं चिरौंजी डालता हूँ इसमें थोड़ी सी, और इसको भी मिक्स कर लें। और इसमें ऐड कर लें थोड़े से मस्क मेलन सीड या खरबूजे के बीज, ये ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से ही डालें, जिसको जो पसंद है काजू डालना है काजू डाल लें। और इसको भी चला लिया और अब हम इसमें मिलाएंगे आर्टिफिशियल स्वीटनर। बाजार में बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारा लो कैल गाजर का हलवा तैयार हो जाएगा।
इसको घी चला लिया। अब इसके बाद इसमें डालेंगे हम, गैस को बंद करने के बाद डालेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो गैस करते हैं बंद और इसमें डालते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर, लगभग 2 से 3 पाउच इसमें डाल दें आप। और इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये स्वीटनर पूरे हलवे में लग जाए। तो अब ये मिक्स हो गया है, तो चलिए इसको सर्व करते हैं।